पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होगी। और इसको हम सुबह की चाय के साथ, दोपहर की चाय के साथ, या कभी भी जब छोटी मोटी भूख हो इसको खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए मुख्य सामग्री है मैदा, अजवाइन, हल्दी, नमक और तेल। तो सबसे पहले हम मैदे की सली बनाने के लिए आटा गूंदेंगे, जिसके लिए हम मैदे को बॉल में लेंगे। मैदा हमने डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। नमक हमेशा स्वाद के अनुसार डालने का। इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे और थोड़ा अजवाइन डालेंगे। डिस्को मटेरियल को खस्ता करने के लिए इसमें मौन डालेंगे, तेल का अंदाज से लगभग 100 ग्राम हमने मैदा लिया था, उसके अंदर मौन हम लगभग 25 ग्राम के लगभग, जिससे मटरी खस्ता बने। उसको अच्छे से हिला देंगे और हम आटा गूंद देंगे, हाथ से आटा गूंद। हाथ से आप चेक कर सकते हैं, आप हिला के ये आटा इस तरह का मौन लगने के बाद इसका ऐसा होना चाहिए, तो इससे मटरी खस्ता बनेगी। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका आटा गूंद लीजिए। ये आटा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसका लोई बनाएंगे और इसको बेलेंगे। ये भी हमने पतला बेल दिया है, इसको हम काटेंगे। काटने से पहले हम लोग गैस चालू कर देते हैं, काटेंगे तब तक। अब हम धीरे आंच में तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे कढ़ाई में। जब तक तेल धीमी आंच में गर्म हो रहा है, तब तक हम सली को काट लेंगे। ये अपनी सली कट के तैयार हो गई है। अब इसमें धीरे धीरे हम एक सली उठा के डाल देंगे। ये सब काम हमने मीडियम फ्लेम में कर रहे हैं। ये मीडियम फ्लेम में होने से क्या है, ये क्रिस्पी अच्छा बनेगा। ज़्यादा तेज आंच रखने से ये जल जाती है और अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है और अच्छा कलर आ गया और क्रिस्पी भी हो जाएगा। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। अब हमारे मैदे की सली बनके तैयार हो गई है और बड़ी टेस्टी है और इसके साथ भी बहुत क्रिस्पी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे काजू नमकीन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।